नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। सबसे पहली खबर आपको बता दें समाजवादी पार्टी से। जी हाँ, क्योंकि साइकिल जो है वो अपना रास्ता बदलने वाली है। दरअसल जिस ट्रैक पे वो चल रही थी, अब सोशल इंजीनियरिंग के वो ट्रैक पर चलने वाली है। अखिलेश यादव का ये कहना है, आज तक से खास बातचीत की है अखिलेश यादव ने और उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर अब तक वो काम करते थे लेकिन अब सोशल इंजीनियरिंग पे वो काम करेंगे और मोदी रथ को रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और अब लगातार चुनाव प्रचार में हैं। चुनाव प्रचार अब लगभग एक दो दिन में ख़त्म होने वाला है, लेकिन क्या है उम्मीदें अखिलेश जी, कितनी उम्मीद है, क्योंकि बड़ा दांव आप लोगों ने खेला है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। देखिए, परिणाम जब तक ना जाए तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं पिछले आम चुनाव में चुनाव लड़ रहा था तो जनता के बीच में हमने काम दिया था और मैंने ये नारा दिया कि काम बोलता है। वो एक्सप्रेसवे की बात की, मेट्रो बनाई उसकी बात कही, जो समाजवादी पेंशन दी उसकी बात कही, जो नया नया फोर लेन हाईवे बन रहे थे, कैंसर इंस्टीट्यूट बन रही थी, स्पोर्ट्स के लिए जो काम हो रहे थे, वो काम हम लोगों ने जनता में गिनाए। लेकिन जब परिणाम आया और मैंने अखबार पढ़े और तमाम एनालिसिस देखी तो ये कहा गया कि बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है वो बेहतर थी, काम हमारा हार गया, सोशल इंजीनियरिंग जीत गई है, इसलिए अब हम सरकार में तो है नहीं, काम तो कोई कर नहीं सकते, तो सोशल इंजीनियरिंग की है, शायद ये सोशल इंजीनियरिंग एक परिवर्तन लाएगी प्रदेश में और देश में। आज दुखी है जनता, मुझे वो दिन याद हैं जब बीजेपी के लोगों ने कहा कि मौर्य कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, पाल समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, हर जाति में एक मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने फैसला लिया था, अंतोगत्वा मुख्यमंत्री कौन बना। तो आज जब हम काम नहीं कर सकते तो हम पे एक ही रास्ता है, सोशल इंजीनियरिंग करें। हमने कभी नहीं कहा कि हम बैकवर्ड हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैंने ये कहा कि मैं भारतीय हूँ। और जो बात कोई सदन में कहे कि मैं हिंदू हूँ तो वो कब बताएंगे कि वो कब भारतीय होंगे, और अगर वो भारतीय नहीं है तो हिंदू नहीं हो सकते। तो ये जो चुनाव है, कम से कम जनता इन बातों को समझेगी, ये बात हम कह रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ, जो रास्ता समाजवादियों का था, एक्सप्रेसवे बनाने का, मेट्रो बनाने का, शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव लाए, जो एजुकेशन के क्षेत्र में बदलाव आए या मेडिकल एजुकेशन में जो बदलाव आए, वही रास्ता खुशहाली का है। लेकिन बीजेपी का रास्ता दूसरा है। अगर रास्ता उनका दूसरा है तो राजनीति में तो रास्ते बदले जाते हैं, इसलिए हमने भी रास्ता बदला है। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी की नेता ने हमारा समर्थन किया है, नेशनल कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है, वाम दल के लोगों ने समर्थन किया है, अजीत सिंह जी ने समर्थन किया है, निषाद पार्टी ने समर्थन किया है और पीस पार्टी ने समर्थन किया है। जब इतने दल लोग साथ आ गए हैं तो शायद परिणाम दूसरा होगा, प्रशासन जबरदस्ती ना करे। और जो भाषा मुख्यमंत्री की है, शायद वो भाषा बिगड़ी इसलिए है कि वो जानते हैं ज़मीन पर वो हार गए, काम में वो हार गए, तभी तो कह रहे हैं कि क्या सांप क्या छछूंदर, अरे चोर चोर मौसेरे भाई, कम से कम अपनी कैबिनेट में तो देखो कि कौन क्या कह रहा है, कौन कह रहा है कि चोरी किधर हो रही है, अपनी कैबिनेट में तो झांकें। आप अपना आईना नहीं देखते क्या, आप अपने कैबिनेट में बैठ करके नहीं देखते कि आप पे कौन इल्ज़ाम लगा रहा है कि चोरी कहाँ हो रही है। अखिलेश जी, आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात कही, आपको लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग आने वाले वक्त में 2019 में भी बड़ा होगा, बड़ा गठबंधन बनेगा और तमाम लोग, जैसे इस बार आपका आपने समर्थन लिया, आपको बीएसपी ने समर्थन दिया, ऐसे तमाम दल, कांग्रेस भी आपके साथ आएगी, या आप सब एक बड़ा गठबंधन बनाएं? देखिए, कांग्रेस से दोस्ती है, उनके नेता से मेरी दोस्ती है और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी उस नेता को, कांग्रेस के नेता को, तो शायद हम समाजवादी लोग या तमाम ऐसे दल के लोग हैं जो सहयोग कर सकते हैं। लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी को भी वो बड़ा दिल रखना पड़ेगा कि सबको कैसे खुश रखें। जहाँ तक सवाल सोशल इंजीनियरिंग की है, इधर मैं देखता हूँ कि हर चीज़ आधार से जुड़ गई। आप रजिस्ट्री आधार से जोड़ रहे हैं, आप बैंक अकाउंट्स आधार से जोड़ रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो आधार से जोड़े दे रहे हैं। सुनने में आया कि मोबाइल आधार से जुड़ गया, सिम कार्ड आधार से जुड़ गया, तो हम भी कहते हैं कि हमें भी आधार से जुड़ा दो। क्यों यादव के खिलाफ नफरत फैलाते दूसरी जातियों में? आप यादव के खिलाफ कुर्मी को लड़ा दे रहे हो, कुर्मी को यादव के खिलाफ लड़ा रहे हो, मौर्य को यादव के खिलाफ लड़ा रहे हो, यादव मौर्य से नाराज़ हो जाए। और हर जाति कितनी है, कम से कम अब तो गिन लो,
हम तो कहते हैं कि गिन लो, आधार से जोड़ दो हमें, आज तो आसानी है, 90% से ज़्यादा आधार बन गए, अब किस बात का डर है। अखिलेश जी बताइए कि क्या ये दोस्ती है, हालांकि BSP कह रही है कि ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक का ही साथ है, आगे की हम आगे सोचेंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये लंबी चलेगी आप लोगों की ये दोस्ती, या सिर्फ ये एक उपचुनाव एक परखने भर का है? देखो मैं बहुत ही आशावादी आदमी हूँ, दोस्ती कितने दिन की भी हो अगर अच्छी हो तो अच्छी रहेगी, और हम तो दोस्ती करने वाले में से हैं, अगर लंबी दोस्ती भी चलानी चाहेगी चलनी होगी तो उसको भी हम चलाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से पूरे देश में खास करके त्रिपुरा की जीत के बाद मूर्तियों के तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, लेनिन की मूर्तियां तोड़ी गईं, उसके बाद पेरियार पर हुआ, आज मेरठ में भी अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का मामला सामने आया है, इसको आप किस तरीके से देखिए? ये व्यवहार किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का ठीक नहीं है, और मैं समझता हूँ खासकर BJP के लोगों को, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब जरूर पढ़नी चाहिए, वो निबंध जरूर पढ़ना चाहिए, उन्होंने राष्ट्रवाद में जो लिखा है अगर उसकी पढ़ लेंगे तो शायद थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। ये जिस तरह का जहर घोलना चाहते हैं इससे देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। एक तरफ जहाँ आप 48 देश घूमाए दुनिया के, 48 देशों में बताओ कहाँ झगड़ा जात का है, कहाँ मूर्तियाँ गिर रही हैं, कहाँ लोग बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अरे 48 देश घूम के आए हैं, अपने लोगों को समझाइए कि 48 देशों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूजा जाता है। ये हमारा देश, ये हिंसा वाला देश नहीं है। अगर गांधी के नारे को दुनिया पहचान रही है तो कम से कम थोड़ी समझ BJP और कार्यकर्ताओं में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दोबारा पढ़ें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दोबारा पढ़ें, शायद अगर पढ़ने से उन्हें थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। आखिरी सवाल सर ये बताइए कि मायावती जी के साथ आप स्टेज कब शेयर करेंगे? देखिए वो समय आएगा और नहीं आएगा इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अगर दो उपचुनाव में संबंध अच्छे हुए हैं तो भविष्य में भी हो सकता है कि आप संबंध अच्छे देखें, परिस्थितियां कैसी बनती हैं उस हिसाब से चीज़ें आपके सामने अच्छी आएंगी। लेकिन फिर झगड़ा तो उसका होगा कि कौन लीड करेगा, मुख्यमंत्री पद किसका होगा, कौन यहाँ बड़ा गठबंधन का नेता होगा? मैं समझता हूँ ये भारत देश में ये हम लोगों को समझाया गया है त्याग से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, और अगर देश बचाने के लिए कोई त्याग करना पड़े तो शायद अगर हमसे कोई कहेगा कि त्याग करने को तो सबसे पहले मैं तैयार होऊंगा कि हाँ ये त्याग करने को तैयार हूँ। यानी मायावती जी के लिए आप त्याग करने को तैयार हैं BSP के लिए गठबंधन? मैं आपसे कह रहा हूँ देश को बचाने के लिए अगर कोई त्याग करना पड़ेगा तो शायद कोई राजनीतिक दल कहे ना कहे, लेकिन मैं पहले तैयार हूँ उस त्याग को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे अखिलेश यादव, बड़ी बात उन्होंने कही और ये कहा कि वो बड़े गठबंधन को बड़ा स्वरूप देने के लिए बड़ा त्याग करने तक को तैयार हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। NDA के प्रमुख सहयोगी दल TDP का BJP से मोह भंग हो गया है। दरअसल आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग TDP कर रही है। आज चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होनी है, उससे पहले TDP ने अपने दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इस मुलाकात के बाद अब ये फैसला लिया जाएगा। भले ही आंध्र प्रदेश के क्षत्रप चंद्रबाबू नायडू ने सोचा समझा पासा फेंका हो, लेकिन ये BJP के लिए बड़ा भारी सियासी संकेत है। संकेत यह है कि सहयोगियों का साथ चाहिए तो वादा निभाना पड़ेगा। NDA की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी TDP ने BJP को दो टूक बता दिया है कि अगर मांगों को लटकाने की स्थिति जारी रही तो साथ रहना मुमकिन नहीं, यानी नायडू ने BJP को आखिरी अल्टीमेटम थमा दिया। ओनली स्पेशल स्टेटस మాట్లాడారు స్పెషల్ స్టేటస్ సంబంధమే ఇవ్వాలి వేరే రాష్ట్రాలకు ఇచ్చి మాకు ఇచ్చి తీరాలని చెప్పి అడిగా, అందుకనే మనం ముందుకు పోతున్నాం। बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने कड़े तेवर दिखा दिए। TDP के दो मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं। हालांकि नायडू ने एक पत्ता अभी भी बचाए रखा है। नायडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात के बाद ही दोनों मंत्री इस्तीफा देंगे, यानी मोदी नायडू में मामला संभल भी सकता है, अंतिम फैसला सीधे प्रधानमंत्री लेंगे। TDP ने केंद्र पर राज्य को विशेष दर्जा देने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया है।
वित्त मंत्री विशेष पैकेज देने की बात कर रहे हैं, टीडीपी से सीधे सीधे धोखा बता रही है। When the 14th Finance Commission report came, which is a constitutional award, they said there is no special category status now to be given. Instead, states which are deficit in terms of revenue, we are compensating them, plus for a certain period, the revenue deficit will be taken care of. And a provision for a revenue deficit was made in the case of Andhra Pradesh. एनडीए सरकार में टीडीपी के दो मंत्री हैं, अशोक गजपति राजू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो वाईएस चौधरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य मंत्री। सुलह समझौता नहीं हुआ तो पहले दोनों मंत्री इस्तीफा देंगे और फिर अगला कदम एनडीए में रहने पर उठाया जाएगा। टीडीपी शिवसेना के बाद एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। टीडीपी के लोकसभा में 16 सांसद हैं, पहले ही शिवसेना बीजेपी से रूठी बैठी है और अब टीडीपी के बागी तेवर कहीं ऐसा ना हो कि सबका साथ सबका विकास वाला बीजेपी का हिट नारा सिर्फ नारा ही बनकर रह जाए, क्योंकि कांग्रेस खुली बाहों से हर बागी को थामने को तैयार बैठी है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। आज सुबह में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए डाउनलोड करें आज तक ऐप या फिर विजिट करें aajtak.in और बने रहें आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।